प्रधानमंत्री मोदी का आज पुणे दौरा, शहरवासियों को मेट्रो के साथ मिलेगी कई और सौगात। भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास, बैठक में रेल और बंदरगाह। सातवें चरण का प्रचार थमा, अमित शाह का दावा, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, खारगीव से सभी भारतीय निकाले गए, अब सारा ध्यान सूमी में फंसे करीब 700 छात्रों पर। देश में 15 से 18 आयु वर्ग के 3 करोड़ किशोरों का टीकाकरण पूर्ण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो समय हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 11वां दिन है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को रूस के आक्रमण से लड़ने में मदद करने के लिए अमेरिकी सेनेटरों से और अधिक विमान भेजने के लिए आग्रह किया है। वह यूक्रेन के मरियूपोल और सेवेलोवाखा से लोगों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक मारियूपोल में रूसी सेना ने सीज फायर तोड़ दिया है और जिसके बाद मानवीय कॉरिडोर से आम लोगों को निकालने की प्रक्रिया सुरक्षा कारणों से रोक दी गई है। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आगाह किया कि मॉस्को यूक्रेन पर किसी भी तीसरे पक्ष की नो फ्लाई जोन की घोषणा को इस लड़ाई में भागीदार के रूप में माना जाएगा। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की और अपने नागरिकों को रूस छोड़ने की सलाह दी है। सातवें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एसपी मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज महुहरिया ग्राउंड में जनता को संबोधित करते हुए एसपी गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। आगे सपा सुप्रीमो ने कहा कि छठवें चरण में जैसे वोट पड़े बीजेपी के छक्के छूट गए और सातवें चरण में जनता बीजेपी को समुद्र में फेंक देगी और मिर्जापुर से किसी का खाता नहीं खुलने वाला है। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र के जफरपुरवा गांव में चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले भाजपा प्रत्याशी पर जानलेवा हमले की घटना सामने आने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी होते ही केंद्रीय मंत्री, चंदौली सांसद समेत जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे। हालांकि ग्रामीणों के विरोध करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना में भाजपा प्रत्याशी बाल बाल बच गए, जबकि उनकी गाड़ी को हमलावरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। वह इस घटना से इलाके में तनाव है, जबकि इस घटना पर केंद्रीय मंत्री ने कड़ी निंदा भी दी है। डॉक्टर साहब, आज क्या घटना हुई है? आपको भी यहाँ आना था, तो क्या घटना हुई है और क्या कहना चाहते हैं हम? यह अपने आप में समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी का बहुत नग्न उदाहरण आज चंदौली में मेरे इस शांतिप्रिय जिले में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उपस्थित किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं प्रचार के अंतिम कार्यक्रम मेरा यहां था, जफरपुर के नागरिकों का मेरे प्रति लगाव, उन्होंने मुझे याद किया था। चूँकि DFCC कॉरिडोर से जफरपुर प्रभावित हुआ, मैंने अपने संपूर्ण प्रयत्न करके DFCC कॉरिडोर से इनको बचाने का प्रयत्न किया। ये उजड़ न पाए और ये अपने घरों में बसे रहे। चंदौली से हमारे संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत जी, सातवें चरण का और आखिरी चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही की वजह क्या सामने आई है? मैम, हम आपको बता दें कि देर रात जब भाजपा के प्रत्याशी रमेश जायसवाल लौट रहे थे, तो कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की उसपे, उनके गाड़ियों पर, जिसके कारण उनकी शीशा भी फूटी गई है और आगे का बोनट भी टूट गया है। और वहीं आपको बता दें कि बाल बाल बचे हैं और कुछ लोग उनको रात से भी मारने की कोशिश किए, तब वो बाल बाल बचे हैं। वहीं फिर उन्होंने केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, हमारे चंदौली के सांसद को फोन लगाया और मौके पर पहुंच कर, और जिला प्रशासन भी मौके पर पहुंचे और मामले को थोड़ा शांत करवाए। अजीत जी, तो इतनी बड़ी लापरवाही की आखिरकार वजह क्या सामने आ रही है, जबकि चुनाव होने ही वाले हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा है कि उसने तैयारियां कर ली हैं?
मैम आपको हम बता दें कि अभी तक चुनाव जो 50वां निर्वाचन आयोग सब पर अफवाह बोला गया है कि इसका जल्द से जल्द इसका कोई न कोई अफवाह करे, अब पर पुलिस थाने में इसका तहरीर दे दिया गया। अभी छानबीन में लगी है पुलिस कौन कौन उसमें थे, हर पहलू पर कार्य कर रही है, मामले को अभी तक शांत कराया गया है। अब आगे पुलिस छानबीन करे, आगे आज क्या खुलासा होगा अभी तक आज देखा जाएगा। आपने भाजपा प्रत्याशी से जाकर बातचीत भी जरूर की होगी, तो उन्होंने किस पर इस हमले की आशंका जताई है? भाजपा प्रत्याशी से हम बात किए तो उन्होंने हमला जताया कि हम जब लौट रहे थे कुछ सपा के कुछ आदमी थे जिन्होंने हमारे पर राड और डंडे से मारकर हमला किया और मारकर काला मफलर बांधे थे और मारकर फरार हो गए। अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले में? उन्होंने यही कार्रवाई की है कि मुगल सराय थाने में तहरीर दे दी गई है और पूर्व सांसद जो महेंद्रनाथ पांडे चंदौली के हैं सांसद है, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और जो जो हमलावर हैं जो इसके मारदंडा या पथराव किए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ कर लाया जाए और हम आगे की कार्रवाई की जाए। धन्यवाद अजीत जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने सुना कि चंदौली में भाजपा प्रत्याशी पर हमला किया गया है, इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने सपा के कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगाया है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही छात्रा वर्तिका चौहान एयरफोर्स के विमान C-17 ग्लोब मास्टर से भारत पहुंची। इस दौरान अपने घर मैनपुरी पहुंचने पर वर्तिका ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया, जिसके बाद छात्रा ने यूक्रेन का आंखों देखा हाल भी बताया। वर्तिका के अनुसार हजारों भारतीय छात्र छात्राओं में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं खाने की चीजों के अलावा पानी की भी किल्लत अब यूक्रेन में झेलनी पड़ रही है। वहाँ पे हालात इस समय बहुत ही क्रिटिकल हैं और किसी भी वहाँ पे रहना बाहर रहना वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इवन शेल्टर्स में भी रहना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि धीरे धीरे खाने की चीज़ें खत्म हो रही हैं, ग्रॉसरी स्टोर पे आपको ग्रॉसरी नहीं मिलेगी और पानी की भी कई जगह पे प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि हम लोगों को मिल गया कभी कभी, बट जो बच्चे थोड़ा सा भी लेट हुए हैं उनको ग्रॉसरी नहीं मिल रही थी। तो आप बाहर नहीं निकल सकते, ग्रॉसरी नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। हालांकि इंटरनेट और लाइट हम लोगों के टाइम तक नहीं गई थी जब तक हम वहाँ थे, बट कुछ जगह पे वो भी चली गई थी। जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही थी खार्किव कीव में, वहाँ पे जहां जेल रोड पर मौजूद मां भगवती वृद्ध आश्रम को औचक निरीक्षण करने पहुंचे सुलाधिकारी देवेंद्र कटियार। इस दौरान उन्होंने वृद्ध लोगों का हालचाल पूछा और वहां उन्होंने वृद्ध लोगों की समस्याओं को भी सुना। आगे उन्होंने सभी बुजुर्गों से कहा कि इस समय मौसम बदल रहा है, ऐसे में वृद्ध लोगों को अपने सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। आगे उन्होंने बुजुर्गों को सलाह दी कि जरा भी तबीयत खराब होने पर आश्रम संचालिका को बताएं, जो आपके लिए तुरंत दवाइयों की व्यवस्था करेंगी। तो इस दौरान मैनपुरी में वृद्ध आश्रम के औचक निरीक्षण पर पहुंचे सुलाधिकारी ने आश्रम में मौजूद वृद्ध लोगों का हाल चाल जाना। इस दौरान आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह वो जो आश्रम में मौजूद बुजुर्ग लोगों का हाल चाल जान रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आश्रम में मौजूद बुजुर्गों को ये भी नसीहत दी कि मौसम बदल रहा है, जिसको लेकर वो अपना खास ख्याल रखें और तबीयत खराब होने पर आश्रम की संचालिका को जरूर बताएं। निरीक्षण किया गया, उसमें वृद्ध लोगों को बदलते मौसम में गया कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप बताएं कि सर्दी से गर्मी का मौसम जैसे चालू हो रहा है, अपने इसमें बुखार छोटी मोटी समस्या होने से हो सकती है, इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का, यदि किसी को भी कोई शिकायत आती है तो यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं वहाँ से। बीते 22 फरवरी को गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना नेहरू नगर के एक घर पर दिन दहाड़े लूट की घटना का सिहानी गेट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वह इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि कोरियर के बहाने रवि दत्त और विशाल ज्योति ने इस घटना को अंजाम दिया था, जबकि एक आरोपी ज्योति गुलाब सिंह के घर पर पहले से ही किराए पर रह रही थी, जिसने वादी के घर में हुए एक प्रोग्राम पर ज्वेलरी देखकर इस लूट की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बनाई थी। देखिए 22 फरवरी को सिहानी गेट के नेहरू नगर क्षेत्र में दिन दहाड़े एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें सिहानी गेट की पुलिस एवं एसपी सिटी की क्राइम टीम ने
इसमें सफल अनावरण कर लिया। इसमें हम लोगों ने 3 गिरफ्तारियां करी हैं। इस गैंग की मुख्य सरगना जो है वो ज्योति एवं अथवा सुचित्रा आर्या नाम है, जो कि अपने आप को डबल डीए बता रही हैं। इनके भाई रवि दत्त इस घटना में शामिल थे, जो कि बीएससी पास हैं, ये रोहतक के रहने वाले हैं। इन्हीं के साथ में 4 लोग और हैं, जिसमें 3 अभी वांछित हैं। हम लोगों ने एक विशाल नामक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी करी है, जो कि इस घटना में साथ में थे। 3 लोग इसमें वांछित हैं, इनके पास से हमको खबर कानपुर देहात से है, जहां जिले के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल ऐसा मामला सामने आ रहा है कि जमीन के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया, हालांकि कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है। पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी के बेटे अमरेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस वक्त कानपुर देहात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे की हत्या कर दी गई, जबकि इस पूरे मामले को लेकर इलाके में सनसनी फैल रखी है और वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल ऐसा मामला सामने आ रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, हालांकि पुलिस इस पूरे अभी मामले में जांच पड़ताल कर रही है और अभी कुछ कहना मुश्किल नजर आ रहा है पुलिस के लिए भी। तो इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इलाके में सनसनी फैली हुई है और लोगों की भीड़ इकट्ठा नजर आ रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए कानपुर देहात से हमारे संवाददाता अभय जुड़ चुके हैं। अभय, ये पूरा मामला करीब कितने बजे का बताया जा रहा है? बिल्कुल बता दें, कल शाम का ये पूरा मामला है, जो कि दो पक्षों में पहले विवाद हुआ है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है, दोनों लोगों में पुरानी रंजिश थी। और ये इनके जो पिता है वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, राजेश तिवारी। इनका ही विवाद हुआ था। फिलहाल रात में ही सबसे बड़ी बात जो है निकल के सामने आई है, जब रात में ही भीड़ का जमावड़ा लगने लगा, अस्पताल से लेकर सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आने लगे। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका के चलते भारी पुलिस फोर्स रात में ही तैनात कर दिया गया था और रात में ही पोस्टमार्टम डेड बॉडी का कराकर और सुबह अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 बजे अंतिम संस्कार करने का समय जो रखा गया है, अब परिजन या खुद कोई मांग रखते हैं, सड़क जाम वगैरह तो नहीं करते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस प्रकार से अब अंतिम संस्कार करवा पाता है लोगों का। जो अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है, जबकि ये घटना देर रात की है, तो पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है? बिल्कुल बता दे, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर रात में ही पहुंचे थे। फिलहाल जांच की जा रही है, हत्या का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हत्या का जो कारण था वो क्या रहा है। फिलहाल मौके पर रात में ही एसपी स्वप्निल ममगाई पहुंचे थे और जिला डीएम जिलाधिकारी भी पहुंचे थे, मौके पर तमाम जिले के आला अधिकारी पहुंचे थे। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही आपको बता दें कि कानपुर देहात में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है। वह इस दौरान किसी अनहोनी की घटना को टालने के लिए रात से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। घटना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी की घटना और ना हो सके। खबर बस्ती से है, जहां महिला थाना परिसर में खाकी जूनियर्स क्रेच का लोकार्पण हुआ। वह इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन ने महिला थाने में शिशुगृह की भी स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कर्मी जिनके 2 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, उनको ड्यूटी करने में परेशानी होती है। इस शिशुगृह के बनने के बाद महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान अपने बच्चों को कहीं भी लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बच्चों की अच्छी केयर होगी और वो तनाव मुक्त अपनी ड्यूटी कर सकेंगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस दौरान क्या कुछ कहा। फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी का यह पहल है बस्ती जनपद में कि हमने खाकी जूनियर्स नाम से एक क्रेश का कल इनॉग्रेशन ADG जोन श्रीमती जया श्रीवास्तव मैम के द्वारा किया है। इस क्रेश को बनाने का उद्देश्य यही है कि जो हमारी महिला आरक्षी वर्किंग है वो अपने बच्चे को निश्चिंत होकर तसल्ली के साथ वहाँ पे रख सकें और फील्ड में अपना 100% योगदान दे सकें। इसमें पुलिस परिवार के साथ साथ जो भी शहर में और भी वर्किंग पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चे को डे केयर के हिसाब से यहाँ रख सकते हैं।
खबर सोनभद्र से है, जहां सीआईएसएफ परिसर के प्रांगण में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 53वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य परेड समारोह का आयोजन एनटीपीसी रिहंद इकाई में किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि रिहंद परियोजना के मुख्य प्रबंधक देवव्रत पाल के अलावा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के इकाई कमांडर प्रदीप कुमार, सहायक कमांडेंट देवबंद के अलाव, रिहंद परियोजना के सभी प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह एनटीपीसी ने इस रिहंद समारोह का आयोजन किया। वहीं सीआईएसएफ ने अपने 53वें समारोह को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान परेड स्थल पर अधिकारियों को सलामी भी दी गई। बिजनौर में पेट्रोल पंप के निर्माणाधीन चल रहे काम के दौरान एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से सभी मजदूरों को निकालकर अस्पताल भेज दिया गया है। पेट्रोल पंप पर खुदाई चल रही थी जी। अब ये दो मजदूर उसके अंदर दब गए। दीवार थी 10-15 फीट हाइट की जी, गहराई में जी। और वो मट्टी की ढांग गिर गई इन लोगों पे, जिसमें ये टैंक में और टैंक रखा हुआ था तेल का जी। और मट्टी के मलबे में जी। ये लोग आपस में मिलकर दब गए, जिसे हमने मौके पर हमें पता लगा, हम 6-7 लोग आए जी। एक को हमने बचा दिया जी। एक लड़का ऑन द स्पॉट है ना, खत्म हो गया, उसे काफी टाइम लग गया निकालने में जी जी। ये जो लड़का जो बचा है वो बरेली का था जी। और जो ये खत्म हो गया लड़का, ये यहाँ का था, सालमाबाद का, भरारे के बाद ये लड़का खत्म हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।